भाई मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आखिरकार किसानों की भावना को सम्मान दिया। निरंतरता में किसान इस बात की मांग कर रहे थे कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए और हम लोगों ने भी बार बार इस बात को कहा था कि भैया जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसके लिए आपने कानून बनाया अगर वही संतुष्ट नहीं है तो इस कानून का फायदा क्या। आप जिनके लाभ के लिए कानून बनाने की आप बात कर रहे हैं अगर वही संतुष्ट नहीं है तो इस कानून का फायदा नहीं था। और मुझे खुशी है कि अंतोगत्वा प्रधानमंत्री जी ने उनकी भावना को सम्मान दिया। एक मांग उन लोगों की और है मजबूती से और जो कहीं ना कहीं किसानों को आर्थिक सुरक्षा का भाव देने के लिए ज़रूरी भी है, MSP की मांग जो उनकी है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसमें MSP की भी एक बड़ी भूमिका होगी। तो हम लोग मांग करते हैं कि उसको भी जल्द से जल्द लागू कर दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी लेकिन अभी भी शराब लगातार पटना में कल भी परसों भी। भाई क्या हो गया इस मीटिंग से? बंद कमरे में आप मीटिंग कर रहे हैं अपने ही अधिकारियों के साथ जो कि खुद इन तमाम बातों में लिप्त हैं, उनके साथ मीटिंग करने से होगा क्या? तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं ऐसी समीक्षा से कुछ नहीं होने वाला। भैया जब तक मुख्यमंत्री अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलेंगे आप जनता का भला कर ही नहीं सकते। आप किसी एक पीड़ित परिवार से मिलने गए, मुझे बताइए, आप सबके कैमरा भी साक्षी हैं, 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, मुख्यमंत्री एक परिवार से मिलने नहीं जाते। अपराध को लेकर हत्याएं होती हैं यहाँ पर बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है। आज जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ तो मुझे रुपेश याद आते हैं यहाँ पर। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे उनके परिवार से मिलने, जो यहीं पे एक प्राइवेट एयरलाइन में जो काम करते थे उनके परिवार से मिलने गए? आज तक कहीं एक घटना, एक अपराध, एक हत्या किसी परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए? भाई ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आपके प्रदेश में इतनी हत्याएं हो जाए, एक साथ जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की इकट्ठे मृत्यु हो जाए और आप अपने हवा महल से बाहर नहीं निकलते। और फिर आप बोलते हैं कि भैया मैं समीक्षा कर रहा हूँ। बंद कमरे में कैसे समीक्षा होती है मेरी समझ के परे? जब तक आप मिलेंगे नहीं पीड़ित परिवारों से, उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं, वो अपनी चार बातें बताएंगे नहीं, वो बताएंगे कि भैया यहाँ पे शराब बनती है, वहाँ पे मिलती है, ये होता है, आप बस अपने बंद कमरे में अधिकारियों के साथ, तो इन समीक्षाओं से कुछ नहीं होने वाला। मुझे दुख इस बात का है कि निरंतरता में जहरीली शराब से होने वाली मृत्यु हो रही है। ये वो खबरें हैं जो कि सुर्खियां बन जाती हैं, पर आए दिन बिहार के हर एक गांव में कोई ना कोई आदमी मर रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अब नहीं जागे तो संभवतः बहुत लेट होगा। कांग्रेस कह रही है विचार करना चाहिए क्योंकि अब दुगनी ने तिगुनी रेट पर शराब बिक रही है। बिल्कुल रेट की बात नहीं है भैया, मतलब होम डिलीवरी हो रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरी समझ के परे है कि ये विकास की बातें, भाई ये 15 साल का जश्न मनाएंगे विकास का, क्या किया क्या आपने पिछले 16 साल में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 5 उपलब्धि बता दें, हमको तो वो छूटते ही बोलते हैं कि जाकर पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई हमको नहीं लेना देना 15 साल पहले का बिहार कैसा था, 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप मुझे बताइए ना कि इन 16 सालों में आपने बिहार को क्या किया। मुझे इतना पता है कि जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली और दूसरे प्रदेश जाते थे अपना इलाज कराने, और आज आपके 5 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपको भी इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो भाई क्या बदला मेरे जन्म से लेकर अभी तक? यही बोलते हैं ना कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उस वक्त का बिहार कैसे था, तो भाई मेरे जन्म के वक्त भी बिहार जैसा था, आज भी वैसा ही है। देश देख लीजिए कितनी तरक्की कर गया, उसके अनुपात में बिहार कहाँ खड़ा है हम लोगों का? अभी आंख दिखाकर आए हैं दिल्ली से, अब वो आंख दिखाने जाते हैं कि किसी को आंख दिखाने जाते हैं, भगवान जाने क्या करने जाते हैं, हमको बोलते हैं कि वो कहाँ रहता है बताए। भाई हम तो जहाँ रहते हैं हमारा तो एक सरकारी आवास दिल्ली में और एक यहाँ कृष्णापुरी है, हमारी तो कोई अनेकों क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अर्जित तो हमने नहीं कर रखी, पर आखिरी बार आपने खोज खबर लेने की कोशिश कब की हमारी? मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब अस्पताल में भर्ती थे 2 महीने तक वो भर्ती थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आए उनकी खोज खबर लेने, एक बार उन्होंने उनको फोन भी करना जरूरी समझा, और आज बोलते हैं कि चिराग पासवान बताएं कि वो रहते कहाँ। भाई 2 साल से तो मैं आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ, भूल जाइए मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूँ कि नहीं हूँ, मैं आपके प्रदेश का सांसद तो हूँ, मेरे प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं जिसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। 2 साल से मैं आपकी खबर लेने की कोशिश कर रहा हूं और आप पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान कहाँ रहता है? आपके दरवाजे पर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आपको बरखी का कार्ड देने के लिए खड़े रहे, 2 महीने तक मैं प्रयास करता रहा मेरे पिताजी की बरखी का कार्ड मैं आपको दे दूं, और आज आप पूछते हैं कि चिराग पासवान कहाँ रहता है? आप बताएं मुख्यमंत्री जी आप कहाँ रहते हैं? जनता आपको ढूंढ रही है, वो मृतक परिवार आपको ढूंढ रहे हैं, जिनके यहाँ हत्याएं हुई हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप भ्यारती आपको ढूंढ रहे हैं, रोज धरना करते हैं सड़क पर,
छात्र आपको ढूंढ रहे हैं, शिक्षक आपको ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं आप अपना हिसाब दें मुख्यमंत्री जी। विपक्ष बिहार में कह रहा है कृषि कानून की तरह शराबबंदी कानून भी वापस होना चाहिए बिहार में। देखिए मैं शराबबंदी कानून का मैं समर्थन करता हूँ, ईमानदारी से मैं बोलूँ, और खास तौर पर बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट कम होने से होता क्या है कि आप किसी ऐसे पदार्थ की मेरिट्स डिमेरिट्स को आप नहीं समझ पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि भैया ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है। सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है पर कितने लोग उसको समझ पाते हैं भैया। तो इसीलिए खास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है वहाँ पर ऐसे कानूनों की जरूरत है। घरेलू हिंसा हमने देखी है, महिला उत्पीड़न हम लोगों ने देखा है, तो ऐसे कानून की जरूरत है। मैं पूरी तरीके से शराबबंदी कानून का मैं समर्थन करता हूं।